ये देखो आप लोग, हमें इसको क्रॉस करके कुछ इस पहाड़ के पीछे जाना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल रात में मैं वीडियो एंड नहीं किया क्योंकि हुआ क्या, रात को 8:30 बजे आया, फिर रूम वूम ढूंढने में काफी प्रॉब्लम हुई यहाँ पर, फिर एक रूम मिला हमें, वहाँ पर स्टे किए, फिर रात में डेटा ट्रांसफर कर रहे थे। एक्चुअली हो क्या रहा है, कनेक्टर एक लिया हूँ चिप लगाने के लिए, उसमें चिप रीड ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। फिर करना क्या पड़ रहा है, 2 दिनों से मेरे साथ हो क्या रहा है, मोबाइल में कर रहा हूँ, मोबाइल में चिप लगा के केबल कनेक्ट करके फिर ट्रांसफर कर रहा हूँ, और उसमें भी प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक साथ डेटा ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा है, फेल हो जा रहा है। मतलब एक एक फाइल करके आपको ट्रांसफर करना पड़ रहा है बार बार, तो उसमें काफी टाइम लग जा रहा है, तो सोने में लेट हो जा रहा है, सुबह उठने में लेट हो जा रहे हैं। अभी हाई अल्टीट्यूड पर है तो सांस लेने में भी काफी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हमें तो कम आ रही है, बाकी लोगों को काफी ज्यादा आती है, क्योंकि अपन 12 दिनों से तो हाई अल्टीट्यूड पर ही है। अभी टाइम हो रहा है 12, तो फिर चलना हमें पैंगोंग लेक, फिर जाना हमें चांगला पास एंड वारिला पास, 2 पासेस हमें विजिट करने आज। और आज का प्लान था हमारा कि लेह मनाली हाईवे के बीच में कहीं स्टे करने का, बट ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अपन स्टे लेह मनाली हाईवे पे करेंगे। एक्चुअली जो रूट यहाँ से अपन लेकर जाएंगे ना चांगला होते हुए, वो कारू एक प्लेस है, मार्केट है, बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर भी है, वहां पर वो रोड जुड़ता है और वो लेह मनाली हाईवे ही है, वहां से लेह 45 किलोमीटर है, तो अपन लेह नहीं जाएंगे क्योंकि लेह जाने का कोई मतलब नहीं बनता कि 45 किलोमीटर फिर जाओ फिर आप 45 किलोमीटर आओ, तो इसलिए सोचे हैं अपन ने कि अपन कारू में ही स्टे कर लेंगे, क्योंकि हमें चांगला पास और वारिला पास दोनों विजिट करने तो हमें टाइम लगेगा। देखो जाते टाइम चांगला पास तो पड़ेगा, बट वारिला पास के लिए एक रोड डाइवर्ट हुआ है, उस रोड से हमें वारिला पास जाना होगा, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, डाइवर्ट रोड है, फिर जाओ फिर वहां से रिटर्न आओ, थोड़ा एक्स्ट्रा हमें किलोमीटर कवर करना होगा, बाकी यही चीजें हैं। और यहाँ पर हम 3 लोग स्टे किए थे तो 4000 चार्ज लगा, 4000, और उसमें आपको डिनर एंड ब्रेकफास्ट दोनों दिया गया। बहुत अच्छे लोग हैं, आंटी भी बहुत अच्छा सर्व की, मतलब खाना वाना भी बहुत टेस्टी था, मजा आया रात में डिनर करके। और इस होम स्टे का नाम है सासोमा, आप भी आओ यहाँ स्टे करो, मजा आएगा। अब चलते हैं फटाफट पैंगोंग लेक, वहाँ पर जो भी अपन को जो भी देखना है वहाँ देखते हैं, फिर वहाँ से फटाफट निकलते हैं चांगला पास के लिए। तो अभी सामान सारा गाड़ी में पैक हो चुका है और अपन ब्रेकफास्ट भी कर चुके हैं। देखो ये किचन है, यहाँ पर बैठ के हम खाते हैं, और यही आंटी हैं जिन्होंने खाना बना कर हमें खिलाया। चलो यार अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट, काफ़ी लेट हो रहे हैं, मिलते हैं फिर आपसे पैंगोंग लेक पे। एक्चुअली आज हुआ क्या, मैं भी सुबह यहाँ उठ गया था, आज 5:30 बजे कर गया मैं सनराइज़ देखा, अभी आप देखो वीडियो सनराइज़ के। तो अभी अपन पैंगोंग लेक आ गए हैं। एक्चुअली मैं तो सुबह ही आ गया था, बिश्नोई रात में ही आ गया था। पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है, इतना ज्यादा कि मतलब सरफेस की एक एक कण दिख रहे हैं। थोड़ा थक भी रहे हैं बहुत ज्यादा, पता नहीं आपको यार ये लेक में कलर क्या दिख रहा है, बट हमें तो बिल्कुल ब्लू कलर दिख रहा है। और सामने देखो आप, पूरा पहाड़ है, उसके ऊपर आसमान देखो कितना बढ़िया है यार, लग रहा है जैसे वॉलपेपर। तो अभी देखते हैं यहाँ कितना टाइम लगता है, थोड़े टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे, तब तक आप नज़ारों के मजे लो। इधर देखो आप, वो स्कूटी रखी गई है, यहाँ पर अगर आप पर पर्सन बैठ के फ़ोटो क्लिक करवा रहे हो 50 रुपीज़, और यहाँ पर इस टाइप की चीज़ें रखी गई हैं, आप मूवी में देखा होगा आपने, यहाँ पर भी पर पर्सन 50 रुपीज़ लगते हैं, मतलब 3 लोग आप बैठोगे 150 पे करना होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर शूटिंग का भी है, एरो का दिख रहा होगा आपको यहाँ पर देखो, और वहाँ हमारी कार खड़ी है। अपन यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर भी, क्योंकि हमें जाना है चांगला पास जो कि लेक के रूट में ही पड़ेगा, बट वारिला पास के लिए
कुछ रूट डाइवर्ट हुआ है, उस रूट को मुझे लेना है, फिर रिटर्न हमें ले रूट पे आना है। तो चलो यार निकलते हैं फटाफट यहाँ से, जाने का मन तो नहीं है। यहाँ पर आओ आप, वन नाइट स्टे करो, अच्छी जगह है, बहुत इंजॉय करोगे आप लोग। अब पैंगोंग लेक को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। आप यहाँ विंटर में भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर ही लोग आते हैं, बहुत ज्यादा रेयर। जिनको एक हाई लेवल का एडवेंचर होता है वही लोग यहाँ आते हैं। एक पूरा जमा हुआ रहता है, बिल्कुल फ्रोजन लेक होता है। दिसंबर से लेकर मार्च तक 4-5 महीने के लिए ऑलमोस्ट पूरा फ्रोजन लेक होता है बस। और गर्मी में आप देख ही रहे हो यार, कलर कितने चेंज इसके हो रहे हैं। तो होता क्या है, आप सुबह से शाम तक यहाँ स्टे करते हो ना, इसके कलर बहुत चेंज होते हैं। कारों में अपन स्टे लेंगे, वहां तक पहुंचने में अंधेरा तो हो ही जाएगा, इसलिए अपन वहीं पर स्टे ले लेंगे। और वहां पर ही पेट्रोल पंप है, फिर वहां से पेट्रोल पंप अपन फिल कराएंगे, उसके बाद हमें मिलेगा सीधे टांडी में अराउंड 400 किलोमीटर बाद। तो इसलिए 10 लीटर का जो कैन है वो तो है ही हमारे पास, सिर्फ टैंक अपन फुल करा लेंगे पूरा बस। तो आपने अभी देखा होगा बाइकों का ग्रुप, बाइक में भी आने में यार बहुत मजे हैं, क्योंकि मैं 2018 में भी बाइक से ही आया था। कार के भी अपने मजे हैं, बाइक के भी अपने मजे हैं, सबके अपने अपने मजे हैं। जो मजे आपको चाहिए वो लेकर आओ आप। तो अभी अपन उसी रूट पर है, कल जिस रूट से अपन पैंगोंग आए थे। एक टी पॉइंट आएगा, वो पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा। वहां से आप अगर राइट लेते हो तो आप नुब्रा वाली हुंडर आप निकल जाओगे, लेफ्ट अगर आप लेते हो तो चांगला पास होते हुए कारू निकलोगे, मतलब ले मनाली हाईवे पे। मतलब अगर आपको ले जाना है तो वही रूट अपन लेते हैं, और अभी अपन वही रूट लेंगे। ऐसी जगह रुका हूँ जहाँ पर मैमल्स ढेर सारे दिखते हैं, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। एक्चुअली वो जमीन के अंदर होल बना के रहते हैं, और वो कभी कभी दिखते हैं फिर अंदर घुस जाते हैं। वाह दिख रहा है, दिखा दूँ देखो आप लोग, यही है ये। आपने जंस्कार से जब अपन आ रहे थे वहाँ पर भी दिखा था, और यहाँ पर ये काफ़ी पाया जाता है। ओह ये पूरा बाहर आ गया, इतना क्यूट है, देखो आप लोग पोज दे रहा है। वाह ये देखो आप लोग, फिर अभी अपने होल में चला जाएगा, देखना इतना सुंदर था यार। अब यहाँ से आप निकलते हैं फटाफट, क्योंकि वो तो भारी है, दिन ही चला जाएगा यहाँ पर। बहुत अच्छा, जब भी आप इधर आ रहे हो ना बैंकॉक से, जस्ट पहले ही आपको पड़ेगा एक्चुअली मैं तांग से दुर्बुक में हूँ, वो वही पॉइंट है टी पॉइंट, जहाँ से अपन राइट लेंगे तो अगेन हुंडर पहुंच जाएंगे नुब्रा वैली, कल जो अपन जिस रूट से आए थे, और लेफ्ट लेंगे तो चांगला पास होते हुए कारू निकलेंगे ले मनाली हाईवे पे, और कारू से ले राइट जाएंगे तो 45 किलोमीटर है, बट अपन को ले जाना ही नहीं है क्योंकि उधर का कुछ काम ही नहीं है, हमें निकलना मनाली के लिए। तो अभी यहां से निकलेंगे चांगला पास, और टाइम हो रहा है 4:20, काफी लेट भी हो रहा है क्योंकि हमें दो पासेस आज कवर करने हैं, चांगला पास एंड वारीला पास। चांगला पास तो रूट पे ही आएगा, वारीला पास के लिए वही जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो अभी यहाँ पर ऐसे रुके थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि रास्ते में अभी कुछ मिलेगा नहीं, चांस कम है मिलने का, तो इसलिए कुछ खाने पीने के लिए रुका था। चलो यार यहाँ से निकलते हैं फटाफट। तो वही पॉइंट है जहाँ से आप राइट लोगे ना उंडर नुब्रा वाली आप पहुँच जाओगे, और लेफ्ट लोगे चांगला पास होते हुए ले आप जाओगे, कारू आप निकलोगे, वहाँ से राइट ले और लेफ्ट लोगे आप मनाली। तो मैंने लेफ्ट लिया है क्योंकि अब मुझे कारू के लिए निकलना है, उस रूट से मैंने कल आए थे बस। और यहाँ से कारू बता रहा है 72 किलोमीटर्स, और 2 घंटे का टाइम बता रहा है जाने का, लेकिन हमें पता है बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा पहुँचने में। तो अभी मैं चांगला पास से कहीं थोड़ा पहले ही रुका हुआ हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है, ऊपर कुछ लैंडस्लाइड हुआ है, जेसीबी काम कर रही है, शायद आपको दिख रहा होगा। देखो आप लोग यहाँ जेसीबी है, और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं पूरी लाइन से, तो हमें इसको क्रॉस करके कुछ इस पहाड़ के पीछे जाना है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली काफ़ी हाइट पर आ गए, 15,000 या 16,000 फीट पे हैं अपन। चांगला पास भी 16,000 समथिंग है फीट, तो देखते हैं कि जितना जल्दी वो खुल जाए, अभी तो ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, तो जितना जल्दी खुल जाए अपन निकलते हैं यहाँ से। कारू पहुँचने में तो अंधेरा हो जाएगा, काफ़ी अंधेरा होगा, बट कोई नहीं, अब अंधेरे से आदत हो गई है। क्या बस नहीं बस एडवाइस दे सकते कि अंधेरे में मत चलो, अंधेरे में मत चलो बस, हो जाता है यार, अपन चाहते नहीं है बट हो जाता है। बाकी व्यू तो बहुत सुंदर है, मजा आ रहा है, ठंड भी बहुत ज्यादा है।
आप लोग, बिल्कुल लैंडस्लाइड जो नहीं है। और जाम देखो आप लोग, कितना जाम लगा हुआ उधर। ये तो आधा रास्ता है, ये तो आधे रास्ते आगे, पता नहीं कितना आगे जाम है। और नीचे देखो आप लोग, तो अपन बैठे हैं कार में, बादल भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े, बारिश हो गई तो अपनी और लग जाएगी। यार सही में यार पूरी लैंडस्लाइड चल रही है। फाइनली खुल गया जाम, निकलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि हालत बहुत खराब हो रही है यार यहाँ पे। डर बहुत लग रहा है क्योंकि बगल में पत्थर वो दिख रहा है ना, छोटे छोटे पे बड़े पत्थर टिके हुए हैं। एक भी सरकस अब नीचे आ गए, अपने साथ भी जाएंगे अपन। अपन चांगला पास पे आ गए, फाइनली अपन चांगला पास पे आ गए, जो 17,688 फीट पर है। आप समझ रहे हो, खारगुनला के बराबर ही, बहुत हाई अल्टीट्यूड है। सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, एक टेंपल भी है। काफ़ी हालत ख़राब हो रही है, तो यहाँ से फटाफट एक दो फोटो अपन लेते हैं और निकलते हैं। तो अभी यहाँ से कारू अराउंड 20 किलोमीटर्स हैं, और टाइम बता रहा है गूगल 24 मिनट लगेंगे, और वाकई 24 मिनट से ज़्यादा लगेगा भी नहीं, क्योंकि रोड यार इतना शानदार रोड है कि NH3 है, कितना शानदार रोड बनाया अभी यार उन्होंने। भी टाइम हो रहा है 7:25 तक पहुँचने का टाइम बता रहा है, तो 8 मान लेते हैं अपन, 8 बजे तक पहुँच जाएंगे आराम से। ठीक है, 8 बजे का भी डिसेंट टाइम होता है, बट वारीला पास का अफसोस रहेगा नेक्स्ट टाइम। फाइनली अपन तांग लांगला पास पे पहुंच गए, पता नहीं यार यहाँ से रोड दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, इधर एकदम नीचे से आए हैं।